हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिशा इन दिसकस दोलीविजन रिटर्न बाई रोल ढाल आई हैडी अपलोडेड द सेमडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन हिंदी तो आगे बढ़ने से पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं रोल ढाल एक ब्रिटिश नावलिस शॉर्ट स्टोरी राइटर वाइटर पैलेट एंड स्क्रीन राइटर रह चुके हैं रोल ढाल ट्वेंटी सेंचुरी के ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स में से एक माने जाते थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड हासिल किए इंक्लूडिंग द एडगर पो अवार्ड वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड फॉर लाइफ अचीवमेंट चिल्ड्रेंस ऑथर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड मिलीनियम बुक अवार्ड ये ट्वेंटी सेंचुरी के चिल्ड्रन स्टोरी टेलर माने जाते थे तो इस पोएम को पोइट ने थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है जिसमें रोल ढाल ने जेट को क्रिटिसाइज किया है जिसने ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी अपना आदि बना लिया है तो ऑथर इस पोयम के ज़रिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को इस टेलीविजन के आस पास भी ना आने दें। अब टेलीविज़न देखते जब बच्चे कुछ और तो नहीं करते लेकिन वो इस टेलीविज़न को घंटों घूरते रहते हैं और यही पॉइंट को पोइट ने नेगेटिव इम्पेक्ट बताया है आगे पोएट ने टेलीविजन से बच्चों की जिंदगी पर होने वाले नुकसान को बताया है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने बच्चों को इस इडियोटिक बॉक्स के सामने ना लेट्स स्टार्ट द पोएम ये एक लेंथी पोएम है जिसको सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है वी डोंट एनी स्टैंड इन दिस पोएम सो लेट स्टार्ट the most important thing we have learned so far as children are concerned is never never let them near your television set or better still just don't install the idiotic thing at all now let's see the meaning of this तो यहाँ पर रोल ढाल ने अपने एक्सपीरियंस से पेरेंट्स को एडवाइस की है कि वो अपने बच्चों को कभी भी इस टेलीविज़न के सामने ना छोड़े और इससे भी अच्छा होगा कि इस इडियोटिक बॉक्स को अपने घर पे इंस्टॉल ही ना करें अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि पोइट इस पोयम में टेलीविजन को इडियोटिक थिंग क्यों कह रहे हैं तो थ्रू आउट इंटायर पोय ढाल अटेम्प्ट टू तो आंसर दिस इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस वी हैव बीन वी हैव वॉच दम गेपिंग एट द स्क्रीन द लॉल एंड स्लोब एंड लॉन्च अबाउट एंड स्टेयर एंटिल देयर आईस पॉप आउट लास्ट वीक इन प्लेस वी सॉ अ डजन आई ऑन द फ्लोर तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले इन हार्ड वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं गेपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को घूरना मतलब अपनी आंखें वाइड ओपन करके अपनी आंखें फाड़ कर किसी चीज़ को घूरना एंड यहाँ पर लॉल स्लॉप एंड लॉन्च का मतलब होता है कि लेजी वे में और रिलैक्स वे में लेट जाना या बैठ जाना जैसे कि बच्चे अक्सर करते हैं टीवी देखते वक्त एंड पॉपॉट का मतलब होता है आंखें बाहर आ जाना मीन्स टेलीविजन देखते जब बच्चों की आंखें बाहर आ जाती है तो यहाँ पर इन लाइंस में पोइट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हर हाउस जहाँ भी पोइट विजिट करते हैं उन्होंने देखा है कि चिल्ड्रन टेलीविजन के सामने अपनी आँखों को खोल बैठे रहते हैं द गेप एट द टेलीविजन स्क्रीन और अपनी आंखों को फाड़ बहुत ही ज्यादा कॉन्सनट्रेशन से वो टेलीविजन को घूटते रहते हैं उनके सामने घंटों बैठे रहने से वो थक जाते हैं और थक कर वो क्या करते हैं वो लेट जाते हैं सिट और लाई इन अ लेज एन कैजल मैनर मींस यहाँ पर पोएट ने लॉल स्लॉप एंड लॉन्च बताया है कि वो टी वी घूरते घूरते इतने थक जाते हैं कि वो वहीं पर फ्लोर पर लेट जाते हैं बट फिर भी वो टी वी को घूरते रहते हैं अनटिल देर आईज आर पॉप आउट मींस जब तक घूरते रहते हैं जब तक उनकी आंखें बाहर नहीं आ जाती लास्ट वीक इट सम्स प्लेस बीस सौ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर अब यहाँ पर इन लाइंस में तो यहाँ पर पोइट ने जो कुछ भी बताया है वो पोइट्स की इमेजिनेशन नहीं है क्योंकि तो लास्ट वीक उन्होंने किसी के यहाँ विजिट किया था तो पोइट ने डज़न ऑफ आई बॉल्स को फ्लोर पर देखा था जहाँ पर कुछ बच्चे फ्लोर पर बैठ टेलीविजन देख रहे थे

और जो टेलीविजन पर दिखाया जाता है वो उनके लिए ही रियलिटी बन जाता है उन्हीं चीज़ों को सच समझते हैं और वो इस एडियोटिक बॉक्स से ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो अपने दिमाग को बिल्कुल बेकार सी चीज़ से भर लेते हैं जो कि यहाँ पर ऑथर ने शॉकिंग घासली जंग बताया है बेकार सी चीज़ों से वो अपने दिमाग को भर लेते हैं जो कि बेकार से टीवी वी शोज आते हैं जो कि उनके एज के हिसाब से इन अप्रोप्रिएट है जो कि अनरियल होते हैं और वो टेलीविज़न शोज उन बच्चों के वैल्यूबल टाइम को किल कर रहा होता है और उन्हें लेजी बनाता है क्योंकि यहाँ पर टेलीविजन देखते वक्त ना तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और ना ही एक्सरसाइज करते हैं और ना वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और ना ही अपने नेचर या बुक्स के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं बस वो अपने दिमाग को बेकार बातों से बेकार सी इमेज से और जो स्टोरीज टेलीविजन पर दिखाई जाती है उससे अपने आप को भर लेते हैं अपने दिमाग को भर लेते हैं ओ यस वी नो इट की डोंट क्लाइव आउट दिन और पंच दीव यू फ्री टू कुक द लंच एंड वॉच द डिशेज इन दिंक अब यहाँ पर पोइट बताते हैं कि उन्हें मालूम है कि जो टेलीविजन सेट है वो बच्चों को इन नॉटी चिल्ड्रन को एक जगह बिठाए रखने का काम करता है मीन जब वो टेलीविजन के सामने होते हैं तो वो वहाँ से हिलते नहीं है और ना ही वो मिशीवियस थिंग्स करते हैं जैसे कि क्लाइंबिंग द विंडो सिल और एक दूसरे से फाइट करना या किक करना या पंच करना और वो अपने मदर्स को फ्री छोड़ देते हैं ताकि वो लंच प्रिपेयर करे या अपने डिशेस को वॉश करें यहाँ पर वो अपने को डिस्टर्ब और यहाँ पर पोइट कहते हैं बट ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि हम इस टेलीविजन के सामने बच्चों को छोड़ दे क्योंकि यहाँ पर पोएट बताते हैं कि जो एडियोटिक डिवाइस है डज मोर हार्म देन गुड यानी कि इसकी अच्छाई से ज्यादा नुकसान ज्यादा है तो यहाँ पर फर्थर पोएट पेरेंट्स से पूछते हैं बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक टू वॉट to wonder just exactly what this dust your beloved tot यहाँ पर टॉट का मतलब होता है बच्चे यानी कि किड्स तो यहाँ पर पोएट पूछते हैं कि क्या कभी क्या तो पेरेंट्स ने कभी इस बारे में सोचा है कि जो टेलीविजन है वो एग्जैक्टली आपके बच्चों के साथ आपके बिलव्ड चाइल्ड के साथ अपने आपके बिलव्ड टॉट के साथ क्या कर रहा है बच्चों पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर पोएट खुद इस क्वेश्चन का जवाब बताते हैं इन ब्रिलियंट वे इट द सेंस इन द हेड इट किल्स इमेजिनेशन डेट इट क्लॉक्स एंड क्लटर्स ऑफ द माइंड इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड अ फैंटेसी अ फेरी लैंड इसका मतलब है कि टेलीविजन को रेगुलरली वॉच करने से ये जो बच्चों का सेंस है वो डैमेज हो जाता है और वो रियलिटी से बहुत दूर जा चुके होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बातों को बिलीव करते हैं जो वो देखते हैं आप बिना सोचे समझे कि जो कॉन्टेक्स्ट उन्हें टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है वो रियल है या फिर अनरियल उनके ख़ुद के इन्वेराममेंट से हार्डली मैच करता है बट वो फिर भी यहाँ पर जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाया जाता है उसे ही रियल समझ लेते हैं और ये बच्चों की इमेजिनेशन पावर को किल करता है और टेलीविजन को लगातार देखते रहने से जो चिल्ड्रन है दे स्टार्ट टू लिव इन प्री सेट इमेजनरी वर्ल्ड मीन्स के वो अपने सेट किए हुए इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं जो वो जो कि वो टेलीविज़न पर देखते हैं और वो स्लोली स्लोली अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को खो देते हैं अपनी इमेजिनेशन को खो देते हैं बस वो उन्हीं चीज़ों को सच समझते हैं जो कि टेलीविजन पर दिखाया जाता है जो कि फिक्शनल है अनरियल है यहाँ पर ऑथर जो है वो पेरेंट्स से आर्ग्यू करते हैं कि किस तरह ये टेलीविज़न बच्चों के माइंड को अफ़ेक्ट करता है कि जो चिल्ड्रन है जो टेलीविज़न के सामने बैठकर डिफरेंट शोज देखते हैं डिफरेंट चैनल्स देखते हैं जो कि समाइम कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ होते हैं कि कभी कभी वो रियलिटी से मैच नहीं कर पाते तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पर सरप्राइज हो जाते हैं एंड दस दीस थिंग क्लॉग एंड क्लटर अप देयर माइंड एंड दिस लीड्स टू मेस अप द ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड थाट्स और वे यहाँ पर अपनी सारी इमेजिनेशन को खो देते हैं क्योंकि तो ये जो चिल्ड्रन है वो अपने आप से सोचना भूल चुके होते हैं क्योंकि वो इस टेलीविजन के इतने आदि हो जाते हैं कि वो वही सच समझते हैं जो टेलीविजन पर देखते हैं क्योंकि उनका माइंड पूरी तरह से उस इमेजेस से भरा होता है जो कि वो टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं अगर वो इस और अगर वो इसी तरह टेलीविज़न को घूरते रहे टेलीविज़न को देखते रहे तो किस तरह उन्हें टाइम मिलेगा कि वो दूसरी चीज़ों के बारे सोच सके तो इन्हीं सब चीज़ों से जो चाइल्ड है जो चिल्ड्रन है वो डल और ब्लाइंड हो जाते हैं जिसकी वजह से ना तो वो फैंटेसी को समझ सकते हैं और ना ही फेरी टेल को समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी इमेजिनेशन थिंकिंग पावर किल हो चुकी होती है ओनली सीज अब यहाँ पर रोलढाल बताते हैं कि टेलीविजन को वॉच करने से टेलीविजन को देखते रहने से ये जो बच्चों का दिमाग है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है जैसे कि कोई चीज का टुकड़ा हो क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो हर चीज़ पर बिलीव कर लेते हैं जो कि उन्हें टेलीविज़न पर दिखाया जाता है या सुनाया जाता है यहाँ पर वो अपना लॉजिक यूज़ नहीं करते चीज़ों को एनालाइज नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जो उनकी थिंकिंग पावर है या थाट प्रोसेस है वो फ्रीज हो जाती है एंड गेट्स रस्टी और वो यहाँ अपने आप कुछ सोच नहीं सकते बस सिर्फ देखते रहते हैं और उन्हीं चीज़ों पर बिलीव करते हैं जो कि उन्हें टेलीविज़न पर दिखाया जाता है all right you'll cry all right you'll say but if we take the set away what shall we do to entertain our darling children please explain अब यहाँ पर पोएट बताते हैं कि उन्हें पता है कि पेरेंट्स पेरेंट्स उनसे क्या पूछने वाले हैं के के पेरेंट्स का क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस इडियोटिक बॉक्स यानी कि टेलीविजन सेट को अपने घर से दूर कर दे अपने घर से निकाल फेंके तो हम अपने डार्लिंग चिल्ड्रन यानी कि अफेक्शनेट चिल्ड्रन को एंटरटेन कैसे करें तो यहाँ पर इन आगे के लाइंस में पोइट इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं विल we'll आंसर darling बाई to do how यूज़ they डार्लिंग themselves content before हाउ यूज this monster was invented have you forgotten don't you know तो यहाँ पर जो पोएट है वो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं बाय थ्रोइंग अनदर क्वेश्चन तो यहाँ पर पोएट पेरेंट्स से क्वेश्चन करते हैं कि पहले ज़माने के बच्चे अपने आप को इंटरटेन किस तरह रखते थे जबकि ये मॉन्स्टर इन्वेंट भी नहीं हुआ था पर पोएट लोगों को याद दिलाते हैं कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन वो लोग क्या करते थे अपने आप को किस तरह बिज़ी रखते थे विल से इट वेरी लाउड एंड स्लो दे यूज टू रीड दे रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड देन प्रोसीड टू रीड सम मोर ग्रेट स्कॉट गैट बुक्स वन हाफ देर लाइफ वॉज रीडिंग बुक्स तो यहाँ पर वोइड बताते हैं कि जो अर्लियर टाइम के बच्चे थे चिल्ड्रेंस थे वो क्या करते थे वो अपने आप को इंटरटेन करने के लिए अपने आप को बिज़ी रखने के लिए वो बुक्स पढ़ते थे और सरप्राइजिंगली उस टाइम के लोग अपने हाफ लाइफ टाइम को इसी तरह रीडिंग करते करते गुजार देते थे जैसे कि ग्रेट्स गॉड गॉड नर्सरी शेल्फ हेल्ड क्लक्टर ऑफ द नर्सरी फ्लोर एंड इन दैडरूम बाई द बेड मोर बुक्सिंग टू बी रीड अब यहाँ पर पोइट बताते हैं कि जो पहले जमाने के बच्चे थे या पहले जमाने के लोग थे तो उनके जो नर्सरी शेल्फ जो थे यानी कि उनके जो लाइब्रेरीज थे उनके घर के लाइब्रेरीज जो थे जहाँ पर बुक्स रखे होते हैं वो बुक्स से बहुत ही फुल हो चुकी थी और उसके अलावा उनके फ्लोर पर यानी कि उनके फर्श पर इधर उधर सारी बुक्स बिक्री होती थी और बेडरूम में भी बहुत सारी बुक बेड के पास में पड़ी रहती थी अभी पढ़ना बाकी था यानी कि पहले ज़माने के बच्चे जो थे वो अपने आप को इंटरटेन करने के लिए अपने आप को बिजी रखने के लिए बस सिर्फ बुक्स ही पढ़ते थे सच वंडर फाइन टेल्स ऑफ ड्रैगन्स जिप्सीज क्वींस एंड बेल्स एंड आइल And distant shores where smugglers rode with muffled ore, and pirates wearing purple pines, and sailing ships and elephants, and cannibals crouching round the pot, stirring away at something hot. It, it is a smell so good. What can it be? Good gracious, it's Penelope. Now, here, Penlope means wife. In Greek means wife. तो यहाँ पर इन लाइंस में पोएट कुछ पॉपुलर चिल्ड्रन एडवेंचर्स स्टोरीज़ के नेम बताते हैं कि किस तरह पुराने ज़माने के जो लड़के या लड़कियाँ थे या लोग थे वो कितने फैंटेस्टिक स्टोरी पढ़ते थे जैसे कि ड्रैगन्स जिप्सीज़, क्वींस वेल्स और ट्रेजर आइलैंड स्मगलर पायरेट्स और कैनिबास और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज The younger ones had Patrick's Potter with Mr. Todd the Dirty Rotter and Skirvel Nutkin, Pigling Bland and Mrs. Tiggy Winkle. And just how the camel got his hump and how the monkey lost his rump. And Mr. Toad and bless my soul, there is Mr. Rat and Mr. Mole. Oh books, what books they used to know, those children living long ago. यहाँ पर पोइट बताते हैं कि जो पहले जमाने के चिल्ड्रन थे वो क्या करते थे वो हेलन पॉटर जो के जो के बुक्स की ऑथर थी उनकी स्टोरीज को पढ़ते थे जो स्टोरी बच्चों के लिए होती थी जो कि एनिमल्स पर होती थी विद कलरफुल इलिस्ट्रेशन यहाँ पर रोल डाल पेट्रीब्यूट टू तो ऑथर फॉर हर फैंटेस्टिक स्टोरी ऑन एनिमल्स एंड यहाँ पर वो कुछ स्टोरीज के नेम्स भी बताते हैं जैसा कि हाउ द कैमल गॉड्स इज हम एंड यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स भी बताते हैं जैसा कि मिस्टर टोड मिसेस टिग्गी विंकल एंड सो ऑन तो यहाँ पर इन लाइंस के थ्रू हमें पता चलता है पोइट्स का लव बुक को लेकर और वो अपने चाइल्ड डेज को कितना इंजॉय करते थे सो प्लीज़ ओ प्लीज़ वी बैग वी प्रे गो थ्रू योर टी सेट अवे

अब पर पोएट पेरेंट्स को बॉन करते हैं कि आफ्टर इंस्टॉलिंग द बुक शेल्फ इन प्लेस ऑफ टीवी सेट पेरेंट्स को अपने बच्चों का डर्टी लुक्स को फेस करना होगा और वो यहाँ पर एक दूसरे को बाइट करेंगे किक करेंगे फाइट करेंगे बट फिर भी यहाँ पर पोएट इंसिस्ट करते हैं पेरेंट्स से कि वो अपने जो लाइब्रेरी है जो बुक शेल्फ है उसको फिल करते रहे विद लॉट्स ऑफ बुक ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड इग्नोरिंग ऑल दोज स्क्रीमिंग एंड डर्टी लुक Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they will now begin to feel the need of having something to read. And once they start, oh boy, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their hearts. We have

अब यहाँ पर इन बुक्स को पढ़ते पढ़ते वो बच्चे इतने समझदार हो जाएंगे कि वो यहाँ पर ख़ुद सोचेंगे कि वो अपना कीमती वक्त किस तरह उस बेकार से टेलीविज़न यानी कि रेडिकुलरस मशीन के सामने गुजार देते थे और वो यहाँ पर ख़ुद फाइंड करेंगे कि किस तरह टेलीविज़न स्क्रीन पर डिस्कस्टिंग और अनक्लिन चीज़ें वो देखते थे एंड दे विल डिस्कवर द रियल जॉय ऑफ़ रीडिंग बुक्स और यहाँ पर वो इन बुक्स के ज़रिए से रियल जॉय एंड रियल हैप्पीनेस को फ़ील करेंगे

तो यहाँ पर पोएट एडवाइस देते हैं अपने रीडर्स को रीडिंग करने के लिए क्योंकि यहाँ पर वो सोचते हैं कि टी वी बुक्स की जगह नहीं ले सकता बुक्स आर द ओनली थिंग्स डेट कैन डिलीवर रियल विस्टम कि बुक्स एक ऐसी चीज है जो लोगों को असली नॉलेज देती है सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू स्टे स्टेट फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग